भाई पूरी कांटे की टक्कर है। हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। ये है वरना, ये है क्रेटा, ये है 113 bhp, वो भी 113 bhp, ये है 250 Nm का टॉर्क, वो है 250 Nm का टॉर्क, ये है डीजल, वो है डीजल, ये है ऑटोमेटिक, वो है ऑटोमेटिक, सब कुछ सेम है। इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। एक फर्क मैं बता देता हूँ, उसमें आते हैं 3 मोड, इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स। ये भाई पूरे टाइम स्पोर्ट्स में चलती रहती है, इसमें कोई भी मोड नहीं आते। और टायर प्रोफाइल की बात कर लूँ तो आपकी क्रेटा के थोड़े बड़े मिल जाएंगे टायर, क्योंकि ये SUV है, इसके टायर थोड़े से इससे छोटे मिलेंगे। तो आज हम इन दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस करवाने वाले हैं भाई। दोनों गाड़ियों में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इंजन आता है, कुछ भी फर्क नहीं है पावर स्पेसिफिकेशन में। दोनों 1500cc डीजल इंजन है, दोनों ही ह्यूंडई के हैं, दोनों के इंजीनियर सेम है जिन्होंने दोनों गाड़ियाँ बनाई हैं। तो मज़ा आएगा, ठीक है। देखो भाई, जीत क्रेटा भी सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन वरना के ज़्यादा चांसेस हैं। वरना क्योंकि सेम इंजन के साथ वरना नीची है, रोड पकड़ के चलेगी। होंडा सिटी को वरना ने बहुत अच्छी टक्कर दी और होंडा सिटी तो भाई क्रेटा से जीत ही रही है। तो देखते हैं यार, बहुत ही टाइंग राउंड रहेगा या जो भी रहेगा आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आप लोगों की पहले पर्सनल फेवरेट कौन सी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार वरना के ओनर से मिलवाता हूं, जो कि हमारे तनिष्क भाई हैं। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं भी ठीक हूं। आज आप क्रेटा के साथ रेस करने आए हो जो कि सेम इंजन है, आपको क्या लग रहा है? भाई मेरे को यही लग रहा है कि वरना ही जीतेगी, क्योंकि ये सेडान है, वो SUV है, ये ज़्यादा हवा काटेगी, वो कम काटेगी, उसमें वेट भी ज़्यादा है, इसमें वेट भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही लग रहा है कि वरना ही जीतेगी। बाकी एक बार हम उनके ओनर से पूछते हैं, क्रेटा के ओनर से। क्रेटा के ओनर, आप आज वरना के साथ रेस करने आए हो जो कि बिल्कुल सेम इंजन है इसमें और उसमें, क्या लग रहा है आपको? भाई वरना ही जीतेगी जहाँ तक लग रहा है आपको, क्योंकि भाई सब कुछ सेम है। हाँ, डीजल डीजल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, वजन हल्का, वजन हल्का, BHP भी सेम है, सब सब। और सबसे बड़ी बात है दोनों में टॉर्क भी सेम है। हाँ, पर फिर भी भाई वही जीतेगी क्योंकि वजन का फर्क आया था। सही सही सही, टायर प्रोफाइल उसकी ज्यादा है, इसी कम है, पर इसका ये सेडान है। हाँ हाँ, तो वही। तो ये भाई को लग रहा है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी। हाँ, और मतलब 19-20 का ही फर्क होगा, ऐसा नहीं है कि वरना पीछे रह गई या क्रेटा ज्यादा पीछे रह जाएगी, बिल्कुल 19-20 का फर्क रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा एक। देखो आपके पास एक होंडा सिटी है, आप उसको वरना से भी जिता रहे हो, आप उसको क्रेटा से भी जिता रहे हो, तो आप बता सकते हो सबसे बढ़िया। उसी चीज को मैंने मद्देनजर रखते हुए बोला है कि भाई दोनों बिल्कुल कांटे की टक्कर ही रहेगी, बाकी ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है ड्राइवर कैसी ड्राइव करेगा और कौन सी गाड़ी को जिताएगा। बाकी वरना वाले भाई, ये क्या निकला हुआ है? वायर है, ये नीचे लाइट लगी है अंडरबॉडी। अच्छा, ब्लू कलर की। हाँ, ये भी निकलती भाई इधर से। भाई इसे करवाओ वरना वाले भाई, भाई करवाना पड़ेगा। 2-1 ना भाई, अब रह गई क्रेटा, बाहर निकलेगी भाई। भाई फर्क पता चलेगा एसी और नॉन एसी का। आ रही है, आ रही है, वैसे क्रेटा भी आ रही है, ये आ गया भाई। बड़ा 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 भाई, पंजा पूरा दाब रखा है, दाब के भाई पूरा दाब रखा है और निकल गई भाई। ना ना ना, और अब निकल गई है क्रेटा। नहीं नहीं नहीं, टाई सा ही है भाई, टाई सा है, टाई है भाई, पूरा पंजा, पूरा पंजा, पूरा भाई, पूरा ये देख लो भाई, पूरा पंजा। वरना 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 है भाई, वरना है, वरना है भाई। ब्रेक ले लो भाई, 160 चढ़ा दी थी भाई ने। तो भाई इस राउंड की जो विनर है वो हमारी वरना है। अभी पूछते हैं जरा, अब पूछते हैं हैवी ड्राइवर से। हां, पहले कर दी नहीं? हां भाई, लॉन्चिंग पहले हुई है, लॉन्चिंग पहले हुई, स्टार्टिंग नहीं बोल दी थी मैंने, बहुत माइक्रो, बहुत माइक्रो। अच्छा, एस में चला रहे हो? हाँ, एस में चला रहा हूँ भाई, स्पोर्ट्स मोड में इस साइड करके। तो अपनी को एस में चलाते हो और इसको एस में चला रहे हो, तो कुछ फर्क है? फर्क नहीं है, फर्क है। अच्छा, ये बढ़िया। तो एसी बंद किया हुआ था? हाँ, अभी किया भाई। चाचू ये पहले निकल गई, एक राउंड और करना है मेरे को, एक राउंड वो तो कर रहे हैं। एसी ऑन था, वो एसी ऑफ था। अच्छा, और क्या फील हो रहा था कि भाई कहाँ निकल रही है, कहाँ आ रही है? कहीं नहीं निकलेगी, एक बार तो तुम्हारी निकल ही गई थी यार आगे। हाँ, एक बार निकल गई थी, और क्या कहते हैं स्टार्टिंग में है ना हमारी, बाद में और तो फिर आगे निकल गई ना। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही हम आगे रहेंगे तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल होगा ना। चलो एक और राउंड, भाई एक राउंड और करते हैं। वरना वाले भाई आप इधर आओ कंडक्टर सीट पे। ड्राइवर, अरे नहीं भाई नहीं। एसी ऑफ है भाई, ये देख लो आप, और क्रेटा आगे ही जाए जा रही है और ये पकड़ ही नहीं पा रही बेचारी, बस बस ब्रेक ले लो, स्ट्रगल हो रहा है। तो भाई इस राउंड के विजेता जो है वो है क्रेटा, नॉर्मल डीजल,
एक बार एक चीज करके देखते हैं ये व्हील स्पिन क्यों नहीं मार रही। एन में डाल के डी में उठा के देखते हैं। नहीं होते नहीं है इसके बेचारे, एसी ऑफ करना भाई। 1.6 तो कभी कभार मार देती है। लैग ही आ रही है, नीचे आ रही है पूरी। 2-1 भाई अपना जैसे लॉन्चिंग हमारी पहले निकली है तो देखो ये अपन आ जाएगी, वरना भी ये देखो वैसे तो साथ ही है। ले गई ले गई मैंने भाई डी में डाल दी क्योंकि मैनुअल में तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। अच्छा मैं निकल गई है डीजल और डीजल भाई में कुछ दिक्कत तो ना है आपको? क्या आपको लग रहा है क्या यार इतना गैप क्रेटा से वरना कैसे बना सकती है? बस बस ब्रेक ले ले बोलूं इसके ब्रेक में थोड़ा सा। अच्छा अब की जो लास्ट राउंड है इसमें ये दोनों सिंगल सिंगल है, जो वरना है वो चाचा चला रहे हैं। ये देख लो वरना को चाचा चलाएंगे और इसको चूहा चलाएगा और मैं यहाँ पे 3-2-1 करूँगा इनका। दोनों गाड़ियाँ देख लो भाई बिल्कुल बराबर हैं। बोथ ड्राइवर्स रेडी 3-2-1 वरना पीछे है भाई अभी से ही पीछे है। नहीं है दम यार भाई पीछे चले मजा आ रहा है क्या बना लिया बहुत बनता ही चला जाए। इसमें लैग है क्या? पता नहीं यार क्या है सब तो सेम है तो एसी ना ऑन कर लूं मैं तो इसको क्यों तपे तंदूर में। हां देखना 140 चढ़ गई हमारी गाड़ी। अरे बहुत पीछे रह गई यार कोई फायदा नहीं है भाई कोई फायदा नहीं है ब्रेक ले लेते हैं। उसने भी ले लिया भाई। जो है आपकी क्रेटा डीजल में सेम इंजन होने के बावजूद जीत जाती है भाई कोई इसका मुकाबला नहीं है क्रेटा का। अब बताओ क्या बोलोगे बताओ सेडान है फिर भी बाहर गई। भाई मैं बताऊं वजन भी कम है ये बताऊं फर्क कहाँ रहा है ये फर्क आ रहा है 21 लाख और 16 लाख में समझ गए ना अब आप इंजन ट्यूनिंग जो करी पैसा बोल रहा है क्रेटा का क्रेटा नहीं बोल रही पैसा बोल रहा है। ये देखना देखना आप इतनी देखो बढ़िया देखो टर्बो वाला मजा तो नहीं देती लेकिन पर एटली उसको तो हरा दिया। हाँ इसको हरा दिया और मैंने तो डी में चलाई प्रथम तो एस में चला रहा था प्रथम एस में चला रहा था ना प्रथम एस में चला रहा था मैं तो डी में चला रहा था भाई। तो भाई देखा आपने कि अगर आप वरना की और क्रेटा की रेस करते हो तो भाई एनी डे क्रेटा जीत जाती है डीजल में सेम इंजन होने के बावजूद सब कुछ बावजूद यही जीतती है भाई। यहाँ पे फ़र्क आ जाता है ट्यूनिंग का। अब क्रेटा जो है वो ह्यूंडई ने अच्छे से ट्यून कर रखी है क्योंकि यार कीमत का भी फ़र्क है और इतनी कीमत का फ़र्क है कि एक ठीक ठाक गाड़ी आ जाए उतनी कीमत में इसीलिए ये क्रेटा हर रेस जीत रही है। इंजन इनका दोनों का सेम है ना टॉर्क में फ़र्क है ना बीएचपी में फ़र्क है ना सीसी में फ़र्क है सब कुछ सेम है इनका। बाकी यही कुछ आपको बताना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।